कथा होए या उपन्यास होए ते एकर जे प्रणेता छै जैसो मैथिली के एकटा दिशा निर्देश भेटले हुनके आशीर्वचनक ए समस्त क्षेत्र में ए मिथिलावासी में किछ रचना करवा जे स्पंदन एले स्फूरण एले ओ प्रेरणा स्रोत महान कवि जगदीश प्रसाद मंडल जी के हम आग्रह करे चाहे छियनि ओ आवत अपन कविता पाठ करैत हुनका लेल स्वागत में एक बेर उपस्थित समस्त श्रोता बिंदु समस्त दर्शक बिंदु दोनों हाथ से कसगर थपड़ी दे हुनका स्वागत करो बहुत बहुत धन्यवाद थपड़ी के गड़गड़ाहट धन्यवाद। कविता पाठ करे से पहले एक बात कविता के संबंध में कह दिया चाहे मैथिली के दुर्भाग्य रहले जे मैथिली साहित्य हास्य व्यंग बन गए लेकिन साहित्य जीवन छे केवल हास्य व्यंग या भोज में अचार चटनी जो भोज कहा जाए तो वो भोज गिले वो साहित्य गिले तें कविता में किस गंभीरता छे कने ध्यान से सुनबे। कविता शीर्षक थी गरीबी। गरीबी गुरु आश्रम बीच भट्ठे से पढ़ैत एलौं। गरीबी गुरु आश्रम बीच भट्ठे से पढ़ैत एलौं। भोरे उठ प्रणाम करै छियनि भोरे उठ प्रणाम करै छियनि मनक आशीर्वाद पबैत एलौं। भोरे उठ प्रणाम करै छियनि मनक आशीर्वाद पबैत एलौं। राति दिन सुरता बनू ने राति दिन सुरता बनू ने सदिखन चर्च करै छियनि उठते चर्च अपने आबि आबि उठते चर्च अपने आबि आबि जन्म अजन्मक बात कहै छियनि उठते चर्च अपने आबि आबि जन्म अजन्मक बात कहै छियनि आँखिक आगू गुरु गरीबी आँखिक आगू गुरु गरीबी सुतल में जगबै छथि आँखिक आगू गुरु गरीबी सुतल में जगबै छथि दू दिशिया चैल मनुखक दू दिशिया चैल मनुखक पकड़ बाहि कहै छथि दू दिशिया चैल मनुखक पकड़ बाहि कहै छथि अमीर गरीबक चैल दुदिशिया अमीर गरीबक चैल दुदिशिया कखनो अमीर कखनो गरीब बने भाग्यक रेखा अगम अथाह छे भाग्यक रेखा अगम अथाह छे हैस हैस सदिखन सुनबैत गरीबी सतमार्ग चलै छे गरीबी सतमार्ग चलै छे हैस कुमार्ग अमीरी धरै छे गरीबी सतमार्ग चलै छै हैस कुमार्ग अमीरी धरै छै भेद कुभेद भेद बिन बुझने भेद कुभेद भेद बिन बुझने सुमार्ग कहि कुमार्ग चलै छै जकरा ढौआ ढनढन करै जकरा ढौआ ढनढन करै ओ केना पहुँचत मधुशाला चिकर चिकर गरीबनाथ कहे चिकैर चिकैर गरीबनाथ कहे भोजन नहीं थी स्वाद मसाला अपने हाथे पकड़ बह अपने हाथे पकड़ बह सीमा सरहद देख देख चलब अपन आर मेर अपने पकड़ अपन आर मेर अपने पकड़ हैस हैस अपन चैल धरब जकरा अहां अमीर बुझै छी जकरा अहां अमीर बुझै छी नै छियै कि ओ अमीरी आ नै जकरा गरीब बुझै छी नै छियै कि ओहो गरीबी बुद्धदेव किया राजपाट छोड़लनि जो अभावे के गरीबी कहबै भिक्षुक बेना पकड़ किया जिंदगी भिखमंगाक बनबे गरीबी के जे राह पकड़ पकड़ राही बने रनिवास चलैया गरीबी के जे राह पकड़ पकड़ राही बने रनिवास चलैया ब्रह्मा विष्णु ओ शिवदानी पदे पद दर्शन करैया
यह गरीबी आ अमीरी धर धर जीवन धार बहे छे, यह गरीबी आ अमीरी धर धर जीवन धार बहे छे, सागर गंगा हेरल कहाँ छे, सागर गंगा गंगा सागर सागर गंगा हेरल कहाँ छे, तीले तील सदै चले छे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने जगदीश प्रसाद मंडल जी, आप करी में समस्त काव्य गोष्ठी के माध्यम नपल तुलल कम से कम शब्द में जना सागर में से गागर डुबा के आशीर्वचन स्वरूप हम आग्रह करवे डॉक्टर जनक किशोर लाल दास जी से ओ दु शब्द राखत अपने डॉक्टर जनक किशोर। सम्मान्य आगत सज्जन वृंद, महिलागण, बच्चा लोकन, कवि लोकन, विद्वान लोकन, ई अभूतपूर्व आई भऽ रहल अछि गोष्ठी। कविता एहन वस्तु होइ छै जे कोनो बहुत भयावह एकरा नहि बनाओल जाय। कविता तऽ जीवन, जीवन के जे आनंद छै से कविता के माध्यम से प्रकट होइ छै। ताहि दुआरे एहिठमा सब तरहक कविता सुनलहुँ हमरा लोकन, और ई बड़ा आनंदक विषय जे एतेक कवि छथि हमरा लोकनिक बीच में, ई हमरा अथियो नहि होइ छल पहिने, लेकिन ई बड़ा आनंदक विषय जे एतेक गोटे छथि कविता बना रहल छथि आ एहिमे आगू बढ़ैत, ई शुभकामना हमर जे जहाँ तक ई सब आगू बढ़ैत एहिमे। आर एहि संगे जे छै ई बात सही छै जे कविता जे छै से बड़ गंभीर होइ छै, आ कविके कहल गेलनि हँ जे सर्वज्ञ होइ छै, हुनका ब्रह्मक तुलना देल गेलनि कवि पुराण। तऽ कवि आ जतेक पैघ लोक भेलाह हँ, वेद व्यास भेलाह हँ, सब कवि छलाह जे एतेक सात पुराण सबटा लिखलनि। तऽ कवि कर्म जे छै से सामान्य नहि छै, बहुत अध्ययनक बात छै और काफी गंभीर विषय पर, और चेतना जे छै ओकरा कहल जाइ छै कवि सबसँ चेतना के पैघ शिखर पर रहै छथि। लेकिन हमरा लोकनि जे परिवेश में छी, जे क्षेत्र में छी, जे समस्या है जीवन के, ओकरा यदि काव्य के माध्यम से रसात्मक वाक्यम काव्यम कने रसमय बना के वह समस्या के यदि हम प्रकट कर दी तो वो काव्य भ जाइ छै आ लोक के आनंददायक बनै छै। लेकिन सबसे पैघ बात है जे कविता में हितार्थ हेबाक चाही, जनहितार्थ, जे लोक के ओहिसे किछ लाभ हो, जथा तुलसीदास कहले। संस्कृत के बड़का बड़का कवि लोकन रमणीय अर्थ प्रतिपदार्थ सह कविता के मानै छलखिन, अथवा रसात्मकम वाक्यम वाक्यम काव्यम सह बुझे छलखिन। लेकिन काव्य के एकटा औरो अर्थ होइ छै जे ओ जन जन समूह के से प्रभावित करै, ओकर दुख सुख के व्यक्त करै, ओकरा एकटा रास्तो देखबै, तऽ इहो एकटा कवि के धर्म भऽ जाइ छै। तैं जे तुलसीदास कहलनि हँ जे ओ काव्य के जन समुदाय के हितार्थ जे छै से लिखलै, तैं ई बात तऽ जरूर जे काव्य में सब तरहक बात रहै छै, लेकिन लोक लोक के कल्याण हेतु जे बात रहै छै ओ सर्वोत्तम मानल जाइ छै। बहुत बहुत धन्यवाद हिनका लोकनि के जते गोटे आयल छथि, हिनका लोकनि के शुभकामना हमर जे ई लोकनि आगू बढ़ै, अखन बहुत नौजवान लोक सब छथि काव्य में, लेकिन एहिमे बहुत अध्ययन के काज पड़ै छै, चिंतन के काज पड़ै छै, आ किछु समय देबा के काज पड़ै छै। तैं धीरे धीरे सब गोटे बहुत उत्कृष्ट काव्य रचन लगता, ई हमर विश्वास अछि, आ इएह कहि कऽ हम हिनका लोकनि के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। आशीर्वचन हमरा लोकनि आत्मसात करै छी, और अध्यक्षीय भाषण सँ पूर्व हम संयोजक महोदय से आग्रह करबनि जे एक कार्यक्रमक जे अगिला कड़ी नाटक के वीरांगना सब कलाकार के मौजूद रखैत, आ ओहिसँ पूर्व सरोज कुमार मंडल जी के सेहो तैयार रखैत जे कार्यक्रमक अगिला कड़ी पर हुनकर प्रस्तुति आवश्यक होयत। आप हम चले छी काव्य गोष्ठी के समापनक दिस, जाहि मे अध्यक्षीय भाषणक लेल हम माननीय जगदीश प्रसाद मंडल जी सँ आग्रह करबनि आबथि।
और आशीर्वचन स्वरूप प्रणाम करके अध्यक्ष वाचन सुनाओ। ओना अध्यक्षीय भाषण कार्यक्रमक अंत में होइ छै, लेकिन एहिठाम तीन तरह कार्यक्रम छल, एक सम्मान समारोह, दोसर कवि गोष्ठी आ तेसर नाटक अछि। तऽ दोसर सत्र जे अछि कवि गोष्ठी ओ समाप्त भऽ रहल अछि, अहाँ सब उपचार नहि, एहिके लगले बाद नाटक शुरू होयत, तकरा अहाँ सब देख सुन के जायब। जँ अहीं सब नहि रहबै तऽ हमरा सबके उत्साह केना बढ़तै, तैं उत्साह बढ़बै के लेल अहाँ सब के रहब तऽ जरूरी अछि। तैं हम आग्रह करब जे जहिना जतऽ जे बैसल छी तहिना बैसल रही और अगला कार्यक्रम देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य गोष्ठी के समापन में आप हम आग्रह करबें सुनील कुमार मंडल जी, सरोज कुमार मंडल जी सँ वो आवत आ माँ सरस्वती के वंदना गावत। सुनील कुमार मंडल जी वो आवत सरस्वती वंदना के सुनील कुमार मंडल सरोज धर दिया धर्म ज्ञान कदिया पैर हर हर बम महादेव जय जय विद्या देवी माँ सरस्वती ज्ञान दायिनी माता गीतक ज्ञान दिया हे मैया अधोगति भय रहल अछि किछु गीतक भाषा गीतक ज्ञान दिया हे मैया अधोगति भय रहल अछि मातृ देव भाषा गीतक ज्ञान दिया हे मैया अधोगति भय रहल अछि कबीरक रास्ता पैर पकड़ि मैं भीख मंगै छी श्वेत कमल श्वेत वरण कमलासन शोभित पुस्तक धारिणी माता पुस्तक धारिणी माता कतक दैत्य माय अहाँ सुधारल कतक छुड़ाल छक्का कतक दैत्य माय अहाँ सुधारल कतक छुड़ाल छक्का जय जय विद्या देवी माँ सरस्वती ज्ञान दायिनी माता गीतक ज्ञान दिया हे मैया अधोगति भय रहल अछि मातृदेव भाषा अधोगति भय रहल अछि गीतक किछु भाषा अधोगति भय रहल अछि सतकबीर रास्ता ब्रह्मानंद विहार निजनी जरम विहार माता ब्रह्मानंद विहार निजनी जरम विहार माता मधुर मधुर मैया मेरे उच्चारणी धर्म भार बहाउल माता मधुर मधुर मैया मेरे उच्चारणी धर्म के धार बहाउल माता जय जय विद्या देवी माँ सरस्वती ज्ञान दायिनी माता गीतक ज्ञान दिया मैया अधोगति भय रहल अछि किछु गीतक भाषा मधुर मधुर वीणा वादिनी मैया मधुर मधुर वीणा वादिनी मैया न्याय राहुल पाता न्याय राहुल पाता दिनेन्द्र दास पुत्र अहोंग सेवक पुत्र विशर जग माता दिनेन्द्र दास पुत्र माई अहोंग सेवक पुत्र विशर जग माता जय जय विद्या देवी माँ सरस्वती ज्ञान दायिनी माँ
गीतक ज्ञान दिया है मैया अधोगति भैरल अच्छी किछु गीतक भाषा गीतक ज्ञान दिया है मैया अधोगति भैरल अच्छी मायक भाषा अधोगति भैरल अच्छी देव भाषा अधोगति भैरल अच्छी सतकबीर के रास्ता जय जय श्री सीताराम। अब हम मिथिलावासी परिचय हम आई समाज अबोध बालक हमरा कुछ ज्ञान नहीं है। हम एक किसानक संतान छे और परमपिता परमेश्वर कृपा से ही चौड़ागंज के छात्र छे। हम ते अपने सब के विधि जब जल बात कही छी ओकरा ध्यान में देवे एक टाइम कही छी मौसे मिथिला मौसे मिथिला मौसे मधुमाछ मखान यो हम छी मैथिल भारतवासी सारापन पहचान यो हम छी मैथिल भारतवासी सारापन पहचान यो हम चलबै छी हर कोदर पाग मुरेठा हमर पहचान यो हम छी मैथिल भारतवासी सगी हमर पहचान यो हम चरवै छी गाय महीस सगी हमर पहचान यो माय हमर छछिया मैया माय हमर छछिया मैया प्रभु श्री राम यो देव ऋषि के हम जीवन सज सादा पन पहचान यो देव ऋषि के हम जीवन सज सादा पन पहचान यो पुरखा हमर परतप केले पुरखा हमर परतप केले तप कै प्रभु शिव के मनोले तप कै प्रभु शिव के मनोले कैलाश सो अनले प्रभु शिव भगवान यो कैलाश सो अनले प्रभु शिव भगवान यो हम छी मैथिल भारतवासी सादापन पहचान यो सादापन पहचान यो हम पढ़ै छी धर्मक पोथी हम पढ़ै छी धर्मक पोथी गौवै छी गीता कुरान यो गौवै छी गीता आ कुरान यो हम छी मैथिल भारतवासी सादी हमर पहचान यो पुरखा हमर परतप कैले पुरखा हमर परतप कैले तप कै हर के चलो लेले तप कै हर के चलो लेले उसर के उपजाओ बनो लेले यो हम छी मैथिल भारतवासी सादी हमर पहचान यो हम पहिरै छी धोती कुर्ता पाग मुरेठा हमर पहचान यो हम छी मैथिल भारतवासी सादी हमर पहचान यो कर जोड़ी हम भीख मंगै छी कर जोड़ी हम भीख मंगै छी करै छी कोटि कोटि प्रणाम यो करै छी कोटि कोटि प्रणाम यो हम छी दीनेन्द्र दास पोत रखबै कानि ध्यान यो हम छी दीनेन्द्र दास पोत रखबै कानि ध्यान यो हर हर बम बम महादेव कर्पूर संसार सार भुजगेन्द्र हर सदाव संतम हृदयारविन्द भवम भवानी शैतम नमामि भवम भवानी शैतम नमामि भवम भवानी शैतम नमामि मिथिला धाम की मिथिला धाम की माय सिया जी के गाम की विपिन भगवान संत भगवान की कृषि प्रधान देश की जय जय सतनाम की संत कबीर भगवान की रैदास भगवान की सुफल
सब भक्त गण के जाओ, सबके चरणार विंद हवन नमन प्रणाम समर्पित करै छी। हम अबोध बालक छी, आशा स्वासी स चलै छी, जे कुछ प्रॉब्लम माफ करब। और हम आभारी छी बेचर बाबू के, बेचर बाबू संजोग से हमरा स एक क्लास सीनियर छै छोरागंज के, और बहुत ही से कार्यक्रम कैसे पता नहीं परमात्मा कृपा हमरो एठा ड्यूटी लाग गेल। और हमर गुरुदेव हरि बाबू हरि नयन बाबू जिनका आशीष हमरा सबके भेटत रहैए, हमरा सबके सुख 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 ज्ञान सर दैत रहै छथि, हम सबके आभारी छी। हम जे हमर पूर्व के गुरु छथि हुनको आभारी छी, और जे आगत के हमर गुरु छथि हम हुनको आभारी छी, वर्तमान में जे गुरु छथि हुनको आभारी छी। जय जय संत भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबक बाबू बाबू बहुत आभारी छी, कार्ड सर के बहुत हमरा सबके भेटल रहिए कार्यक्रम में, राम सबको बाबू के और सबके जय जय श्याराम। किनको आभारी ने सब अपन अपन कर्तव्य करे छथि महाराज जी, और से जे लोग अपन कर्तव्य से विमुख होता तो ओहने आदमी के समाज में कोनो मोजर नहीं होई छे, जब अपन कर्तव्य से च्युत होई है। राम सेवक के कर्तव्य छलिए है। आओ अगला कार्यक्रम संग महाराज कुमार जी आओ, मुदा थाई से पहले सम्मान समारोह में हमर श्रीमान श्रीमान सौभाग्यवान महतो एवं बहादुर राम जी अपने सदिवे अपने मंच पर आवी। श्रीमान बहादुर राम जी पहले मंच पर आवी और निवेदन करम श्रीमान इनका सम्मान कर दिन बेचन ठाकुर जी वो माला अपोथी लगा बेचन जी अपने बहादुर राम अपने कई पारितोषिक दिल जा रहा है रसन चौकी के क्षेत्र में जी अपन मिथिला मैथिली और मैथिला के एक गौरव वाद्य यंत्र वही के लिए बहादुर राम के पारितोषिक विदेह से सम्मान दे जा रहा है। और श्रीमान सौभाग्य श्रीमान जी महतो जी सौभाग्य महतो जी बुआ बुआ शोभाकांत महतो शोभाकांत महतो जी के पारितोषिक वितरण का विदेहा.com के सह संपादक माननीय माननीय उमेश कुमार मंडल जी और हुनका सह पारितोषिक विदेश सम्मान समारोह सर्वश्रेष्ठ अभिनय शोभाकांत महतो जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चले एक सेकंड भाई भाई सी एक तो अहम क्रांतिकारी युवक विदेश डॉट इन से जी जब मिला छत्र भूलन भटकल चरित्र के ओकर जीवन के चरितार्थ कर रहल छल मंचक माध्यम से विदेश सम्मान समारोह के माध्यम से तकर समस्त सूत्रधार भाई वही श्री मंडल जी जिनकर 2009 में एक कवि प्रकाशन से पुस्तक प्रकाशित हो चुकल छ निस्तुकी चाय प्रकाशन से भाई बेचन मंडल जी बेचन ठाकुर जी बेटी का अपमान नाटक और दोसर एक दर्जन नाटक जे प्रकाशन ही नहीं छे वही प्रकाशन सो इनको निस्तुति प्रकाशित हो चुका ले छे श्रुति प्रकाशन एक सम्यक दृष्टि सम्यक भावना तो संग उमेश जी ए पद पर चले छे किया क्या हो कज आप मवई जाए दे पुत्र है भाई श्रीमान जगदीश प्रसाद मंडल जी सुपुत्र हवा गौरव रखने के प्राप्त है एक जोरदार थपड़ी भाई उमेश कुमार मंडल जी के। आप हम चले काव्य गोष्ठी के दौर में पर्दा का पाछा जो बुआ बैसल हमारे सहयोगी उनका से आग्रह जो अपने पर्दा के जोड़ी के चल जाओ इतिहास अतीतक ले ले ये एक गौरवपूर्ण बात और गौरवपूर्ण क्षण जो अ धरती पर माँ मिथिला कोरा में बसल चनौरा गांव
ओहि धरती पर मिथिला के सपूत महान विभूति लोकन मिथिला मैथिल और मैथिली मान प्रतिष्ठा के बढ़ोनी आज अही समाज तथा कथित महान विभूति कविवर लोग उपस्थित छथि। किछु समय पश्चात काव्य गोष्ठी के दौर शुरू भ जाय। काव्य गोष्ठी के दौर शुरू करे से पहिने अहि मंचक जे संयोजक महान नाटककार बेचन बाबू छथि उनका से हम आग्रह करबै जे कार्यक्रमक सफल संचालनक लेल एकटा वरिष्ठ जे पदक आवश्यकता होइ छै खगता होइ छै ओ होइ छै अध्यक्ष पद। ओ आबहुत आज कार्यक्रमक लेल सर्व समेत सँ एकटा अध्यक्ष के चुनाव राखब माननीय बेचन बाबू। हाँ हाँ कवि गोष्ठी कार्यक्रम के लिए अध्यक्षक रूप में माननीय श्री जगदीश प्रसाद मंडल के चुने हम एक समर्थन करे बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष चुनाव संपन्न भेल आप मंच संचालक के नाम घोषणा मन संचालन के बाद हमारे परम अपेक्षक श्री दुर्गानंद ठाकुर जी दुर्गानंद मंडल क्षमा करो दुर्गानंद मंडल जी जे हमरा बगल में ठार छे कर कर हम एकर समर्थन करै छी बिल्कुल जोरदार ताली बजा कर समर्थन करी आओ इधर है कवि सम्मेलन शुरू है बार 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 निवेदन दुर्गा नंदन से जी जी एकटा संक्षिप्त परिचय जनाब ना लोगन जानते छे ए समस्त कार्यक्रम का संयोजक भाई बेचन ठाकुर सामने आबो और सब सम्मान भाई रामसेवक ठाकुर को तू सब सम्मान बेचन ठाकुर जी पहिल बेर हिनकर नाम उच्चारण हमरा कान में करें श्रीमान उमेश मंडल जी हमरा लोकन गुवाहाटी से अवैत रही कार्यक्रम क के जार कराई लगभग 1 बजे से ल 4 बजे तक हमरा लोकन ट्रेन में बिकल हो तबुरिया अबै कहले जे भाई हम एक तरह व्यक्तित्व के आगे लावा चाहे छे बेचन ठाकुर एक एहन शख्सियत जे लगभग 1 दर्जन से ऊपर अपन हाथक लिखल नाटक लिख कर और अपना इंस्टीट्यूट बच्चा द्वारा ओकर मंचन करवेत रहला है मैथिली भाषा में अपन मातृ भाषा में हम कह सकै छी जो महाकवि विद्यापति जब अपन पद्य के रचना करे छल हला तो हुनका राजा शिव सिंह के सानिध्य प्राप्त रहे संरक्षण प्राप्त रहे और बहुत बड़े विद्वान लोग करे देता हुनकर परिस्थिति हुनका संग रहे लेकिन समस्त विपरीत परिस्थिति के बावजूद एकटा शिक्षित बेरोजगार जिंदगी जीवे और अपन मातृभाषा के बचा के राई एक चलोरा गंज में एहन झंडा गाड़ देलखिन है जे कल सब पेपर अखबार के माध्यम से पूरा देश जानत जे चलोरा गंज से कौन आग्रही बेचन ठाकुर लगा देलके ये मैथिली क्षेत्र में और ककरा विदेश सम्मान समारोह कौन कर है अनंगित कर रही है छाती बसा रहल छे तो कहीं कहवी छे जो आंगूर भी लग जो एक संग मुट्ठी बने तो फिर सो इतिहास छापल जा सकती है वो हलाहल पान जो स्वीकार तो फिर एक बेर सिंधु माथल जा सकती है फिर एक बेर सिंधु माथल जा सकती है से सिंधु माथा के प्रयास शुरू कर देने छे बेचन जी हम बेचन भाई के निरपुरा समाज से आशीर्वाद मांगे छी जोरदार ताली से हम सब रही बेचन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शगन धन्यवाद पात्र समस्त रंग मंची है जे कार्यक्रम उपस्थित है जे प्रस्तुति भ रहल है ते में सहयोग आ रहा बेचन बाबू के अभिन अभिषेक वो छाय सह संपादक
विदेह नाटक उत्सव 2012 के सह संपादक उमेश मंडल जी आवत मंच पर हुनका स्वागत राम सेवक बाबू मात्र भाई उमेश मंडल जी के माध्यम में अखने दू सब सुने हिनका ले तो कहीं जब 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 कलम की था की गले सब छै हैरान जना कलम की था की गले सब ई हैरान जना समस्त सवाल के एक संग जवाब आहा अरे आहा दिल आहा गुलशन आहा गुलाब आहा अरे एक शब्द कही तो मैथिली कार्य क्षेत्र में लाजवाब आहा मैथिली कार्य क्षेत्र में लाजवाब आहा उमेश जी सुहाशीष सेहो देवर भागदार छी शुभकामना देवर भागदार छी आय जे अलग अलग बेरवा सब जगदीश बाबू चलौले हैं आ जे अलग के अहाँ अनुमोदन करके एकटा इंटरनेट के जगत में एसटीओ से आप कहल कि आप कंप्यूटर पर लोग कविता लिखै है और विश्व लोग पढ़ै छै से काज ई बहुत आगे कर चुकल छै और अपन विदेहा www.videha.co.in के माध्यम से लगभग 8000 देश नहीं विदेश में अपन पाठक बना लेने छै उमेश कुमार मंडल जी ई गर्व के बात छै गौरव के बात छै ते चाहत सब के कबे कबे जोरदार ताली बजा के भाई उमेश कुमार मंडल जी के आशीर्वाद प्रदान करियो धन्यवाद वास्तव में ई जते धन्यवाद ज्ञापन के लाल लाल ओकर पात्र छै अपना सभक बगले काम में है श्री गजेंद्र ठाकुर जी जे दिल्ली में रहै छै और विदेहा प्रथम मैथिली ई पाक्षिक पत्रिका छिए इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका जकर 98वें इशू वर्तमान में निकल चुकल अछि 15 दिन पर प्रत्येक इशू निकलै छै 2004 से क्रम क्रम लगातार ई प्रकाशित होइत आयल हो जकर वार्षिक रूप में प्रिंटो मीडिया में एकर पोथी अवैत रहले हैं अपना सभक बीच बहुत ठाम संभवतः श्रुति प्रकाशन पोथी प्रदर्शनी है देख सके छे तो हम वह कहब जे वास्तव में ये जते धन्यवाद देलखिन हैं ये एक पात्र छै श्रीमान श्री गजेंद्र ठाकुर जी जे अपना सभक गाम बगले के छै मैं बहुत 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 धन्यवाद भाई उमेश जी कृतज्ञता निश्चित हमरा लोगन के कृतज्ञ नहीं हेबाक चाहिए ताई पर ध्यान आकर्षित के लोग क्षमा प्रार्थी के संग संग बहुत बहुत धन्यवाद और ठीक है कहे ठाकुर जी अगला कार्यक्रम के संग संग भाई दुर्गा जी बहुत बहुत धन्यवाद कतेक दिन से हम कतेक दिन से हम चिट्ठी लिखै छी आ कथी ले रुकल छी पिया किएक ने अबै छी कथी ले रुकल छी पिया किएक ने अबै छी बीत गेल दुर्गा पूछा बितलै दियारी बीत गेल दुर्गा पूजा बितलै दियारी आ बिरहा सताबे हमरा रात कारी कारी एक दिन जीबै छी पिया यो एक दिन जीबै छी पिया एक दिन मरै छी आ कथी ले रुकल छी राजा किएक ने अबै छी कथी ले रुकल छी राजा किएक ने अबै छी जहिया से परदेश गेलहुँ अहाँ दिल के नैया चैन यौ जहिया से परदेश गेलहुँ अहाँ दिल के नैया चैन यौ कने कोन दै छी अहाँ हमरा गपक मान यौ कने कोन दै छी अहाँ हमरा गपक मान यौ नींदो न आबे रात का नीनो न आबे रात का तारा गनवै
कथी लरुपल छी पिया किएक नहीं अबै छी कथी लरुपल छी पिया किएक नहीं अबै बुच्ची के ओझालक लहंगा पठोरियो यो बुच्ची के ओझालक लहंगा पठोरियो नहीं ना झरे हमरा रात दिन नोरियो आ बुच्ची के ओझा देख दे बुच्ची के दुल्हा देख दे हम जरे छी आ कथी लरुपल छी पिया किएक नहीं अबै छी कथी लरुपल छी पिया किएक नहीं अबै छी हमरा न चाही राजा हमरा न चाही राजा लहंगा पठोरियो हमरा न चाही पिया लहंगा पठोरियो अप्पू फगुआ ममुदायम की ये भाई जरूरियो फगुआ मयम की पिया ये भाई जरूरियो चिट्ठी चिट्ठी फोन करे छी आ कथी लरुपल छी पिया किएक नहीं अबै छी कथी लरुपल छी पिया किएक नहीं अबै छी अपना शरीर के अपना शरीर पर पिया देबै अहाँ ध्यान यो अपना शरीर पे पिया देबै अहाँ ध्यान यो दुनिया में नहीं छै हमरा अहाँ छोड़ आन यो दुनिया में नहीं छै हमरा अहाँ छोड़ आन यो आ भोर साँझ धरि हम भोर साँझ धरि हम रास्ता तकै छी आ कथी लरुपल छी पिया किएक नहीं अबै छी बहुत बहुत धन्यवाद भाई नंद विलास राय जी के कथी ले रुसल छी पिया किया नहीं अबै छी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पात्र अपने दिखो अपने के चिट्ठी में अपने के हृदय में जो मर्म स्पर्शी वेदना है वो अपने चिट्ठी के मादे अपने व्यक्त कलो आब हम अगला कड़ी में प्रोफेसर उपेंद्र नारायण अनुपम जी के आग्रह करे छन वो आवे वो परदेसिया मादे की कह चाहे छथिन वो कविता के मादे कह जी अपने उपेंद्र प्रसाद अनुपम कविता चाहे परदेश देखो ये कलजुगी राधा अब मोहन परेज कविता हमर परदेसिया प्रीतम तू चल साँझ से भो तू च
चंचले परदेशिया के मादे गीत गौलन तक लेल आप करीब हम आग्रह कर संपादक विदेहा डॉट कॉम के उमेश प्रसाद मंडल ग्राम बिरमा भाया तमुरिया जिला मधुबनी से वो आवत आ पाधा कविता रखे धन्यवाद। कविता पाठ करब से पहले कनेटा के हम माफी चाहब अपने सबसँ, ई जे हम कविता पढ़ि रहल छी ई हमर प्रकाशित भऽ चुकल अछि मुदा हरवरीमे पढ़ऽ पड़ि रहल अछि तऽ वएह हम कहि रहल छी। बाधा शीर्षक छै बाधा। विदा भेल मंगला पूफर कानमे टंगने साइकिल बॉल पर
कहुना का लिखेल लटपटाए पहुँचल धारक कछेर में बिन पैनिक धार चक चक करैत बॉल चारू का नव ने बॉल देख भेले मंगला कर थोड़े होश एले अपन छूछ जेबी पर भरोस भेले आब टपै में कोनो ने हैत बाधा पहुँचबे करब सराय गढ़क पाठशाला मुदा मंगला लसक गेल घाट पर नजर दौड़लक अपन कोनो लाठ पर लाठ पर अपन जेबी में देने हाथ तकैय चारू कात आब की करबे हो बाप ई तो लेबे करते घाटी जना लगैया एकरा उठल छे आती सुखलो घाटक लेते ही खेबाय नहीं देबे तो देत ई रबाय सह भेल मंगला घुर गेल पछ में मुर गेल जी बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी अपने बाधा रखलो लगले हाथ अब हम शिव कुमार मिश्र से आग्रह करे चाहे छे जो अपन व्यथा रखे अपने शिव कुमार मिश्र बिना कोनो भूमिका के अपने व्यथा रखल लो पंद्रह तारीख के हमारे रचना है ये प्रस्तुत ये रचना हम पाठ करने छी समय अभाव हम पुनः रचना अपने सभक समक्ष प्रस्तुत करने छी मनक व्यथा कहलो न जाय छे मनक व्यथा कहलो नहीं जाय छे कहलो पर मन भबलो न जाय छे मनक व्यथा कहलो नहीं जाय छे कहलो पर मन भबलो न जाय छे अपन ढिंढोरा पिटलो न जाय छे अपन ढिंढोरा पिटलो न जाय छे पिटलो पर ककरो न सुनय छे पिटलो पर ककरो न सुनय छे मनक व्यथा कहलो नहीं जाय छे कहलो पर मन भबलो न जाय छे अपन ही रूप अपने देखाय छे अपन ही रूप अपने देखाय छे मनक व्यथा मन मने समय छे मनक व्यथा मन मने समय छे मनक व्यथा कहलो नहीं जाय छे कहलो पर मन भबलो न जाय छे निर्धनता के दिन देखाय छे निर्धनता के दिन देखाय छे संपदा के बाट सुझाय छे निर्धनता के दिन देखाय छे संपदा के बाट सुझाय छे मनक व्यथा कहलो नहीं जाय छे कहलो पर मन भबलो न जाय छे ओदो सेहो सुझाय छे ओदो कोदो सेहो सुझाय छे गमरी मरुआ सेहो बिलाय छे गमरी मरुआ सेहो बिलाय छे मनक व्यथा कहलो नहीं जाय छे कहलो पर मन भबलो न जाय छे
सब जुग रहलै धनक पूजा, सब जुग रहलै धनक पूजा, निर्धनता के कखनो नहि पूजा, सब जुग रहलै धर्मक पूजा, निर्धनता के कखनो नहि पूजा, धर्मक सब मिली पकड़ू बाट, धर्मक सब मिली पकड़ू बाट, शरीर शरीर के करू कृतार्थ, शरीर शरीर के करू कृतार्थ, मनक व्यथा कहलो नहीं जाय छे, कहलो पर मन भवलो न जाय छे। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार मिश्र जी के मनक।